आ गया अपना भाई। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका करता हूं वेलकम एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, वैसे दिल के धोखे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा आंखों के धोखे। जी हाँ, मैं हूँ इस टाइम दिल्ली में और आज हम कवर करेंगे सीपी का म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। वैसे दोस्तों, इल्यूजन्स को कहते हैं आंखों का धोखा, यानी कि भ्रम, और यही सब हमें इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा आज। बाकी दोस्तों, उस म्यूजियम के बारे में सारी डिटेल मैं आपको वहां जाके दूंगा कि टिकट प्राइसेस वगैरह क्या है, टाइमिंग क्या है, कैसे आप आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। वैसे दोस्तों, आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे कजन ब्रदर भी ज्वाइन करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम निकलते हैं फटाफट और पहुंचते हैं कैनॉट प्लेस, और बाकी की बातें वही जाके कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस। पीछे ये दोस्तों म्यूजियम। दोस्तों, इसकी लोकेशन बता दूं आपको सबसे पहले मैं। अगर दोस्तों आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको उतरना पड़ेगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, और एग्जिट लेना पड़ेगा आपको 7 नंबर या 8 नंबर गेट से। अगर आप अपने 2-व्हीलर 4-व्हीलर से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह की ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पेड है बिल्कुल पार्किंग। जो 2-व्हीलर की है वो 10 रुपये पर घंटा, जो 4-व्हीलर की है उसकी 20 रुपये पर घंटा, ऐसी पार्किंग के रेट है। पीछे खड़ा वैसे मेरा कजन, लोकेशन वगैरह मैंने आपको बता दी। टिकट प्राइस वगैरह दोस्तों क्या है वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ कि क्या है, बच्चों के लिए क्या है और एडल्ट के लिए क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं आज म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स को। तो उधर है मेट्रो का गेट नंबर 8, आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, और इधर थोड़ा सा वॉकिंग पे ही है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स। और मेरे साथ आज ज्वाइन करेंगे अपने हैप्पी भैया, आपने पहले ब्लॉग्स में देखा होगा इनको, दिल्ली के भाई, अपने डोले शोले बना के। एक लड़की के साथ हो गई है? नहीं भाई, लड़की के साथ नहीं, आज हम अकेले ही जाएंगे। चल भाई, इधर से करते हैं हम एंट्री, देखते हैं टिकट प्राइसेस वगैरह क्या है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा इस ब्लॉग में। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमने टिकट वगैरह परचेज कर ली है। मैं आपको दोस्तों पहले टिकट प्राइसेस वगैरह बता दूं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स के। दोस्तों, हम आए हैं 12 बजे से पहले, हमारी टिकट लगी है 500। अगर आप हफ्ते में किसी भी दिन 12 बजे से पहले आते हैं तो आपकी 500 टिकट लगेगी। अगर आप दोस्तों 12 बजे के बाद आते हैं वीकडेज में, तो एडल्ट की टिकट लगेगी दोस्तों 650, और जो 18 साल से नीचे बच्चे हैं उनकी लगेगी 520। दोस्तों, आप वीकेंड में आते हैं सैटरडे संडे, तो एडल्ट की टिकट लगेगी दोस्तों 690 रुपये और बच्चों की लगेगी 550। तो ये था टिकट प्राइसेस, हमारी 500 लगी क्योंकि हम 12 बजे से पहले आ गए हैं। मुझे ये पता नहीं थी चीज़, यहाँ पे आके पता लगी। तो कोशिश करिए आप 12 बजे से पहले आइए, टिकट प्राइस में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, 500 रुपये की लगेगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अंदर और एक्सप्लोर करते हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स को। दोस्तों, तो यहाँ से एंट्री हुई थी, एंट्री पे एक गिफ्ट शॉप है, आप यहाँ से कुछ चीज़ें भी ले सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे मतलब आप फोटो खींच सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश ऑन करके यहाँ पे रखेगा भाई अपना फेस, और मल्टीपल फेसेस नज़र आएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्लैश ऑन कीजिए, भाई यहाँ पे फेस रख, फिर मैं तेरी फोटो खींचता हूँ। ये देखिए, तो भाई के मल्टीपल फेसेस नज़र आते हुए हमें, लेकिन फ्लैश अगर आप जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको फोटो के लिए। ये देखिए, अभी हम यहाँ भी जाएंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड को भी कवर करेंगे, सबसे पहले आपको यही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। भाई आजा अंदर, मुंडी डाल। दोस्तों, एंट्री पॉइंट पे सबसे पहले ये देखिए, ये आपको स्केयर में नज़र आ रहा होगा, और अगर आप इधर आएंगे तो ये देखिए, ये बन गया भाई अपना ट्राइंगल, है ना भाई, जादुई चीज़। और ये देखिए दोस्तों, इधर कलर रूम ही है, इधर बाद में जाएंगे हम। यहाँ पे इन्फिनिटी वेल, ये देखिए यहाँ पे आपको कुआं नज़र आएगा जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा लगेगा आपको। और ऊपर देखिए भाई साहब, कैसा लग रहा है भाई? फिर छलांग तो नहीं मारनी कुएं में? आजा आजा आप। तो ये वैसे बढ़िया बना हुआ है, ऐसा लगेगा आपको कुआं है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आंखों का एक भ्रम है। और यहाँ पे देखिए, ये गोल गोल घूम रहा है ना, जो सर चक्कर आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये है यहाँ पे MS रूम, ये देखिए AMES। यहाँ पे एक साइड में आप खड़े होंगे तो आपको बड़ा नज़र आएगा, दूसरी साइड पे छोटा नज़र आएगा। ये मैम आपकी हेल्प करेंगे फोटो वगैरह क्लिक करने में। यहाँ पे आपको यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से थोड़ा जाएंगे ऊपर की तरफ, वहाँ से आप बड़े नज़र आएंगे और यहाँ से छोटे, तो पोजेस में आप फोटोज खिंचवा सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, अंग्रेज भाई लोग अपने कुएं में कूदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं ये देखिए घूमने यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, एक और आंखों का धोखा, ये गोल गोल घूम रहा है लेकिन इसके बीच में से निकल रहा है, ये देखिए, लगेगा आपको कि नहीं निकलेगा लेकिन निकल जाता है ये। तो भाई कैसा लगा ये धोखा?
प्यार का धोखा खाया ना, अब आंखों का धोखा भी सहन कर। ये देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ पे कंटिन्यूसली देखेंगे ना तो सर चकरा जाएगा दोस्तों आपका। भाई हिप्नोटाइज ना हो जाइए तू। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे देखिए आप सेंटर पॉइंट में, तो सर चकरा जाएगा पूरा आपका। मैम ने हमें अभी बताया कि 10 सेकंड आप यहाँ पे देखिए इसके सेंटर में, और उसके बाद गांधी जी को देखिए, थोड़ा मैजिक नजर आएगा। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं 10 सेकंड के लिए। भाई अब 10 सेकंड के लिए यहाँ पे खड़ा होगा और अपना एक्सपीरियंस बताएगा गांधी जी को देखने के बाद। चल भाई। हाँ भाई, पास आ रहे गांधी जी, डांडी मार्च करेंगे अब तेरे साथ। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा मैजिक सा, यहाँ पे थोड़ा सा आंखों से लगेगा आपको लाइटिंग ज़्यादा आ रही है जब आप 10 सेकंड यहाँ पे खड़े रहेंगे दोस्तों। ये वाला आप आपने देख लिया, अब आप यहाँ पे भी देखिए एंजॉय कर सकते हैं। एक बंदा यहाँ जो सही ना यहाँ पे खड़ा होगा, दूसरा बंदा यहाँ पे बैठा रहेगा, वो छोटा नज़र आएगा ये बड़ा। यहाँ से आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी होगी, मैम आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। यहाँ से आपको इतना नहीं नज़र आएगा, लेकिन फ़ोटो जब आप क्लिक करेंगे वो बंदा छोटा नज़र आएगा और ये वाला बड़ा। ठीक है भाई, और ये भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको एक और आँखों का धोखा। ये देखिए इसका साइज दोस्तों सेम है, अगर आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी लगाएंगे तो भी सेम लग रहा है। ये है भाई धोखा, ये देख छोटा है भाई, भाई सेम है। ये देख, ये सेम लग रहा है। अब ऊपर लगा, ये भी सेम लग रहा है ना। ये है भाई आंखों का धोखा। अब हम जा रहे हैं फाइनली वर्टेक्स टनल में, देखते हैं यहाँ पे हमारा सर चकराता है कि नहीं। ये देखिए भाई, ये है वर्टेक्स टनल। जब आप अंदर जाएंगे ऐसा लगेगा पूरा घूम रहा आप गिरने वाले हो, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये हमारी आंखों का भ्रम है। चलते जाइए आप। क्या ओ भाई गिर गया, ओ भाई साहब ऐसा लगेगा आप गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर चकरा जाएगा। हाँ भाई कैसा लगा, सर चकराया कि नहीं? अबे ये क्या है, अंदर जा रहा था मैं। अबे अंदर नहीं, इधर से बाहर जाना है। ये देखिए दोस्तों, आ जाओ आ जाओ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे जो नट बोल्ट होते हैं वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए आप, ये है आँखों का धोखा यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये शीशा लगा हुआ है, आपको हाफ हाफ नज़र आएगा। यू शुड डेफिनेटली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब हमारी प्रमोशन नहीं होती बॉस हमें बोलता है ना कि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, यहाँ पे भी यही लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अब हम जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जाएंगे इसके अंदर। और ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ना, इस पर आपको चेहरा नज़र आएगा। ये देखिए नज़र आया आपको, लेकिन ये पेंटिंग दूर से देखेंगे तो नहीं लगेगा, पास आएगा तो चेहरा नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको लाइनें जो हैं टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे साइड से तो बिल्कुल आपको सीधी नज़र आएंगी। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा ही है, ये देखिए आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे साइड से बिल्कुल कॉर्नर से आके तो सीधा नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे है टिल्टेड रूम, यहाँ पे आप सीधे खड़े होंगे, लेकिन आप शीशे में जब देखेंगे ना आप ऐसे लगेगा कि टिल्टेड हो। ये देखिए भाई बिल्कुल टिल्टेड नज़र आ रहा है भाई, लेकिन खड़ा बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये है आंखों का धोखा। यहाँ पे आप टिल्टेड नज़र आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे सीधा खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा लगेगा हम टिल्टेड है, टेढ़े हुए पड़े, और थोड़ा सा आगे झुकेंगे तो और नज़र आएंगे आप टिल्टेड। भाई ये भी है आंखों का धोखा। यहाँ पे दोस्तों आपको खड़े होना फोटो लेने के लिए, साइन बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल आपको टेढ़ा नज़र आएगा खुद को, खड़े आप सीधे ही हैं लेकिन टिल्टेड नज़र आएंगे। चल भाई गिरना नहीं है, चल आ जा, दूसरों को भी मौका दे भाई, चल। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इधर से बाहर, और हम चलते हैं यहाँ से रिवर्स रूम में। ये है रिवर्स रूम, ये देखिए, ये ऊपर देखिए ऑटो बना हुआ है एक, यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं इसको पकड़ के। थोड़ा सा जंप करेंगे, भैया आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों फ़ोटोज़ वगैरह खींचने में। कैसी फ़ोटो खींची मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए भाई ऐसी फ़ोटो खींची है भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो चलिए हम मैं भी यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाता हूँ। तो दोस्तों रिवर्स रूम के बाद अब फर्स्ट वाला सेक्शन ख़त्म होता है, उस साइड वैसे कैफ़े वगैरह भी है, वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम जा रहे हैं दोस्तों सेकंड सेक्शन को एक्सप्लोर करने, यहाँ से हमें दूसरे सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। सबसे पहले जाएंगे हम कलर रूम में, सबसे पहले इधर कलर रूम। और ये देखिए भाई यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, ये देखिए तीन कलर्स में आपकी फ़ोटोज़ आएगी। यहाँ पे आपको खड़े होना है, साइन बना हुआ है यहाँ पे, ले ले भाई सेल्फीज़ वगैरह। और ये देखिए लाइटिंग वाइटिंग यहाँ पे ये चल रही है, तीन तरह की लाइट है भाई। इधर आ थोड़ा, इधर आ, अब ये देखिए आपको दो तरह की लाइट, अगर आप पास जाएंगे भाई पास आ जा भाई, वहीं पे वहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप लाइटिंग डांस वगैरह कीजिए जो मर्जी कीजिए। यह द प्लेटर, आधा कटा सर में अगर आपने फ़ोटो खिंचवानी है तो आप खिंचवा सकते हैं। ये देखिए मैडम यहाँ से निकली, और आधा कटा सर,
भाई यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे ना तू आधा घंटा सर में। दोस्तों अभी गया मेरा भाई यहाँ पे द प्लेटर में और ये आ गया अपना भाई आधा कटा सर लेके। कट गई भाई गर्दन, नाक नहीं कटवानी गर्दन कट जाए जाए। रुक जा फोटो खींचता हूँ अभी तेरी। प्लेटर देखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा ये कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप पीछे जाएंगे ये है हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की आपको तस्वीर नज़र आएगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपको लाइनें हैं जो टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर आप यहाँ साइड से जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी नज़र आएंगी आपको। तो ये है यहाँ पे आँखों का धोखा। तो अब है यहाँ पे सिमेट्री रूम, ये देखिए अभी आपको भाई को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे खड़े होके आपने देखना, ये देखियो भाई की आधी बॉडी नजर आएगी। भाई कोई एक्शन वैक्शन कर यार, मुझे तो डर लग रहा है, वो आधी बॉडी कहाँ से आई भाई? तुझे मैं दिखाता हूँ ना अभी वीडियो में, कर कोई भी एक्शन। ये देखिए भाई के पूरे डोले नजर आ रहे हैं, भाई बेस भी दिखा दे, आ मैजिक ये। दोस्तों एक और आपको आंखों का धोखा दिखाता हूँ, ये जो ग्रे वाली पट्टी है यहाँ पे आपको टेढ़ा पैर रखना है और वहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये देखिए ये भी एक आंखों का धोखा है, यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ग्रे वाली पट्टी पे पैर रखना टेढ़ा है ना भाई, ये भी जादू। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम जा रहे हैं इन्फिनिटी रूम में। ये देखिए आपने एक का डबल सुना होगा, लेकिन एक का पाँच छः सात, ओ भाई साहब कितने सारे चेतन हैप्पी भाई, कितने सारे हैं ये देख तू भाई ये चीज़ बढ़िया ना। वैसे फोटोज वगैरह लेते हैं यहाँ पे। ये है दोस्तों यहाँ का इन्फिनिटी रूम, यहाँ पे आप ही आपको मल्टीपल टाइम्स नजर आ सकते हैं अलग अलग शीशे में। ये देखिए भाई, चल चल भाई अब दिखा अपने डोले और हम तेरी फोटोज लेते हैं अच्छी अच्छी। ओ भाई बाहर कहाँ से जाना है? अच्छा यही है ना दरवाजा, यही, ये भी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो इन्फिनिटी रूम हमने एक्सप्लोर कर लिया, भाई अपनी अभी भी फोटोज वगैरह ले रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है खुद को इतने ज्यादा देख के भाई? है ना आंखों का धोखा फिर? भाई वो टनल वैसे काफी बढ़िया थी ना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर, देखते हैं और क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, सारा आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ मैं। चल भाई उठा अपना बस्ता, चल भाई यहाँ से दोस्तों अब जाएंगे बाहर। हाँ जी दोस्तों, तो इन्फिनिटी रूम हमने कवर कर लिया, सिमेट्री रूम भी कवर कर लिया, यहाँ पे आप छोटी मोटी ब्रेन गेम्स खेल सकते हैं। चल भाई डालना इसको, आपको इसके बीच में डालना, ये तीन मोती है जो। चल भाई लगा दिमाग, यहाँ से डलेगा ये, फिर यहाँ से। तो ये वाली गेम्स भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं, ये देखिए छोटी मोटी। ये पता नहीं किसने बनाया भाई, ये देखो जीत गया। ओ भाई ने डाल दी, वाह भाई वाह, भाई का दिमाग है अपना। दोस्तों ये है यहाँ पे बिल्डिंग इल्यूजन, ये देखिए भाई यहाँ पे लेट गया अपना, और सामने से देखिए यहाँ से आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं। वहाँ पे खड़े होके भैया हमारी हेल्प करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, और ये देखिए भाई अपना लेट चुका है, वहाँ से खड़े होंगे तो आप वहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। ये देखिए ऐसा लगेगा बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो रहे हैं हम। तो भाई ये भी एक तरह का इल्यूजन है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। इस चीज़ को देखिए, अगर आप यहाँ से दूर से देखेंगे तो आपको दो डंडियाँ सिर्फ नज़र आएंगी, ये देखिए यहाँ पे आपको तीन नज़र आ रही होंगी। तो ये भी है एक आँखों का धोखा, आप यहाँ पे मतलब पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट है क्लोन टेबल, ये देखिए यहाँ पे साइन लगा हुआ है, यहाँ पे खड़े होकर आप फ़ोटो खींचेंगे। तो भाई अपने देखिए ताश खेल रहे हैं, कितने सारे हैप्पी भाई, ये देखिए काफ़ी मल्टीपल टाइम्स आपको नज़र आएंगे हैप्पी भाई ताश खेलते हुए। तो ये है यहाँ पे आँखों का धोखा यानी कि इल्यूजन, साइन बने हुए हैं यहाँ पे खड़े होकर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है ऐसे। देखिए पीछे वैसे मैं भी नज़र आ रहा हूँ, भाई रानी निकाल भाई, क्वीन निकाल, क्वीन क्वीन है नहीं यार, तीन इक्के भाई, चल भाई आजा फिर या बस भाई बस बस भाई गुस्सा नहीं करना आजा। तो फ्रेंड्स क्लोन टेबल हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब ये है आई थिंक यहाँ का लास्ट पार्ट। चल भाई डाल मुंडी अपनी अंदर, इसके अंदर अब अपना फेस डालेंगे, ये देखिए मल्टीपल फेसेस आपको नजर आएंगे आपके, ये देखिए भाई है ना जादू ये भी। बस भाई बस ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी। कैसा लगा फिर ये वाला? और वो क्लोन टेबल हाँ इसको भी देखेंगे ना आप दोस्तों यहाँ साइड से, तो ऐसा लगेगा ये दोनों ना घूम रहे हैं सारे, सर चकरा जाएगा आपका, जादू ये चीजें हैं वैसे यहाँ पे। बिल्डिंग इल्यूजन हमने देख लिया, कलर रूम वगैरह भी हमने देख लिया, वैसे ये वाला सेक्शन भी हमने कर लिया एक्सप्लोर। और ये देखिए ये गांधी जी की तस्वीर बड़ी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं वैसे यहाँ पे। ये क्या भाई, ये देखिए दोस्तों ये जब घूम रहा है तो कैसे लग रहा है अजीब सा ही। ये देखिए भाई डीजे बजाना क्या? बस भाई बस
बस भाई बस, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। एक और इल्यूजन है ये देखिए, भाई इधर खड़ा है, वहाँ से आपको फोटो लेनी है। आधा भाई नज़र आएंगे, आधा हम नज़र आएंगे, ऐसा सिस्टम है कुछ। यहाँ पे मिरर से लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फ़ोटो आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी, वीडियो वगैरह। भाई ये कलर रूम भी वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तीन तरह के कलर्स आपको नज़र आएंगे अपने में ही। ये देखिए ये साइन बना हुआ है, यहाँ पर आपको खड़े होना है और तीन तरह के खुद को देखिए कलर्स में, डांस कीजिए, नाचिए, झूमिए, लाइटें वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से बाहर, पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमने म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में, और भाई अभी भी अपनी फोटोग्राफी करते हुए। आई भाई फोटो अच्छी भाई, आधे आ रहे हैं दोस्तों। तो ये है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स का कैफ़े, यहाँ पे अब अपनी पेट पूजा वगैरह भी कर सकते हैं, और ये ऊपर आप दोस्तों पॉज वगैरह करके पढ़ सकते हैं कि आपको यहाँ पर खाने वगैरह के लिए क्या क्या मिल जाएगा। पिज़्ज़ा, पैनकेक, बर्गर, पास्ता, ड्रिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए तो पेट पूजा अगर आपने करनी है तो कर सकते हैं, हमने नहीं करनी, हम बाहर से करेंगे। चले भाई चलो दोस्तों, अब हम करते हैं इस जगह को एग्जिट। मैं आपको रिव्यू वगैरह भी दे देता हूँ इस जगह का कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली अब हम लोग बाहर आ चुके हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन से, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अपना रिव्यू देने से पहले मैं अपने भाई का रिव्यू जानना चाहूँगा। भाई कैसी लगी ये जगह? भाई बहुत बढ़िया भाई। सबसे बढ़िया क्या लगा भाई तुझे? भाई एक तो वहाँ चक्कर आ रहे, वो जो टनल थी दोस्तों उसमें तो चक्कर आते हैं वाकई। हम तो तीन चार बार गए हैं वहाँ पे, बहुत मजा आया हमने। हो गया भाई, भाई तीन चार बार तू गया ना, छह सात बार मैं तो तीन चार बार गया हूँ। और सबसे बढ़िया कौन सा लगा? वो ऑटो वाला भी अच्छा था, ऑटो वाला भी बढ़िया था, वहाँ पे फोटोज वगैरह काफी अच्छे ले सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने आईफोन कैमरा अगर आपके पास तो लाइव मोड ऑन करके फोटोज लेना, काफी अच्छी आएंगी आपकी जंप करके। और भाई सभी चीज अच्छी थी, टिकट प्राइस भी ठीक था। 12 बजे से पहले आए तो हमको 500 रुपए का टिकट प्राइस पड़ा। वैसे अगर आप दोस्तों 12 बजे के बाद आएंगे तो आपको 690 650 ऐसा देना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने रिव्यू की। ठीक है दोस्तों, एक अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे आप वीकडे में आइए या वीकेंड में आइए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, साथ ही दोस्तों आप सीपी वगैरह भी घूम लेंगे। अगर दोस्तों आपने कुछ डिफरेंट देखना ना तो यहाँ पे जरूर आइए, तो आपको आंखों का धोखा यहाँ पे देखने को मिलेगा। भ्रम भी कहते हैं इल्यूजन्स को, चाहे आप आंखों का धोखा भी कह सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी साइंस पता लगेगी ना कि आपका सर चकरा जाएगा, ये कैसे हो सकता है। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से तो ये प्लेस बिल्कुल रिकमेंडेड है, आप जरूर आइए। साथ में आप सीपी भी घूम सकते हैं, खाने पीने की ऑप्शन है आपके पास। ऊपर दोस्तों जो कैफे था इनके, उसमें चीजें थोड़ी सी महंगी लगी मुझे मेन्यू में, इसलिए हमने कुछ खाया पिया नहीं, हम आगे बाहर की तरफ। अगर आपने पेट पूजा करनी है तो कर सकते हैं, 12 बजे से पहले आइए, 500 रुपये टिकट लगेगी, घूमिए। वैसे एक घंटे का टाइम होता है, लेकिन हम एक घंटे से ज़्यादा ही घूम के आए अंदर, हमें किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है ज़्यादा। बाकी दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस जगह को लेके अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों ये ब्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड स्टे सेफ।